दोस्तों, इत्तेफाक एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ कभी भी हो जाती है, और उससे बड़ा इत्तेफाक ये होता है कि ये सभी घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं, और इत्तेफाक को इंग्लिश में कोइंसिडेंस कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही कोइंसिडेंस के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला है ये, अब इस बंदे को देखिए, ये बाइक चला रहा है और यह अभी स्टंट करने वाला है। इसकी बाइक जो है अनबैलेंस हो गया, जिसके वजह से यह गिर जाता है, लेकिन ये बंदा इस तरीके से खड़ा होकर चलने लग जाता है जैसे कि इसके साथ कुछ हुआ ही ना हो, और यह एक स्टंट का पार्ट हो, ऐसे ही चलने लग जाता है। तो है ये गजब की बात। अरे दूसरा कोइंसिडेंस ये है, अब इस बिल्ली को देखिए, जिसको देख करके आपको यही लगेगा कि इसे कोई काला जादू आता है, जिसके वजह से यह ऐसा कर पा रही है, क्योंकि टीवी के पास यह बैठी हुई बिल्ली टीवी में मौजूद बाइक रेसर को जैसे ही छूती है वो ऐसे ही गिर जाता है, और जैसे ही ये बास्केटबॉल प्लेयर को छूती है वो भी गिर जाता है, और यह कैमरामैन को छूती है तो वो भी गिर जाता है। तो दोस्तों, ये बिल्ली टीवी को बस ऐसे ही इत्तेफाक से छू रही है, या फिर इसके लिए मालिक ने इसके लिए ट्रेनिंग दिया है, कमेंट बॉक्स पर बताइए। दोस्तों, आपने कई सारे लोगों को पेड़ काटते जरूर देखा ही होगा, और आपको पता ही होगा कि पेड़ काटने का सही तरीका होता है, और सही तरीके से काटने से वह गलत डायरेक्शन में नहीं गिरता है। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, जिसे देख करके आप चौंक जाओगे। इस वीडियो में एक आदमी ऊंचे पेड़ पर चढ़ करके उसे बीच से काटने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही वह पेड़ को काटता है वह पेड़ जो है ज़मीन में जा करके पूरी तरीके से नहीं गिरता है, बल्कि वह जा करके सीधा खड़ा हो जाता है, और ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कि इसे किसी ने अपने हाथों से सीधा खड़ा किया हो। तो है ना यह अमेजिंग। तो इस